2005 के बाद मैंने शूटिंग नहीं की थी। I was into a different world completely altogether, spiritualism. पर मुझे नहीं लगता कि there should be any problem with this. एक मैसेज दिया गया है इस फिल्म के थ्रू और वो मैसेज बहुत पॉजिटिव लाइट में दिया गया है। They are very good. They are so they're senior actors now. They've done so much. ठीक है, मैं I have spent more years in industry, but they have worked more than me. Especially Akshay, he's been working since so long. So उसका तो सवाल ही नहीं था. They are complete in themselves. They're complete package. They're good. अक्षय जी की वो फिल्म आई थी राम सेतु। Oh, even I heard it. I'm playing Ram in that. And then इसके बारे में भी यही हुआ कि अरे you are playing God. I said नहीं भाई, I'm playing a human being. जो मैं हूँ, मैं वही play कर रहा हूँ बस। फिल्में बनानी है, आपका रिलीजियस फिल्में बनाई है, why not? क्यों नहीं? लेकिन आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि सेंसिटिव इशू होता है तो लोगों की आस्था श्रद्धा जो है भगवान के प्रति वो हट ना हो। आज रामायण का वो रोल मेरे साथ आज आ रहा है, लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं, वो ऑडियंस का डिसाइड किया हुआ है, मेरा डिसाइड किया हुआ तो नहीं है ना, तो ऑडियंस डिसाइड करती है, एक्टर्स आर नोबडी। Hello everyone, welcome to Bollywood Bubble. I'm Rashita Sahni and well today it's my honor to be chatting with Mr. Arun Govil ji who's all set to bring to us OMG 2. Hello sir, kaise hain aap? Main theek hu. You know sir, जब आपसे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम जुड़ता है एक अपने आप लोगों में एक एक्साइटमेंट एक खुशी वो बढ़ जाती है बिकॉज वो आपको एक लाइट में देखते हुए आए हैं सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो जब ओ माई गॉड 2 का आया आपके पास, वॉट वॉज दैट वन थिंग कि यू नो आपको लगा कि ये मुझे इसका एक पार्ट होना ही चाहिए? एक तो OMG 2 जब मेरे पास आई थी तो उस वक्त बहुत सालों बाद मैंने फिर से काम करना शुरू किया था जी, मतलब इफ आई रिमेम्बर वेल 2005 के बाद मैंने शूटिंग नहीं की थी। आई वाज इनटू डिफरेंट वर्ल्ड कंप्लीटली ऑल टुगेदर, स्पिरिचुअलिज्म। तो ये एक फिल्म आई थी और मुझे फिल्म बड़ी, जब इसकी कहानी मुझे सुनाई गई थी तो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की फिल्म थी, ये है अभी भी है ना। तो और रोल जो था वो इट्स अ रोल ऑफ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट, चेन ऑफ स्कूल्स चलाते हैं वो और स्कूल को बिल्कुल मंदिर की तरह साफ सुथरा और रखना चाहते हैं, बिल्कुल जिसके ऊपर कोई इमेज, उसकी इमेज पर एक स्पॉट भी ना हो कहीं, भगवान को भी मानते हैं यू नो। तो एक बेसिकली तो नॉर्मल इंसान है और कमर्शियल फैक्टर भी होता है बिकॉज जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी वेंचर कर रहे होते हैं तो कॉमर्स तो काम करती है उसमें, तो उनको वो भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना है क्योंकि बच्चों का स्कूल है वो, उसकी इमेज को भी देखना है। तो इसलिए एक बड़ा प्रैक्टिकल सा बिहेवियर और एक घटना जब ऐसी हो जाती है कि उनके स्कूल की इमेज जो है वो थ्रेटन होने लगती है तो देन ही स्टार्ट्स एक्टिंग। लेकिन वो जो भी उन्होंने उसके लिए कोशिश की है वो एक मर्यादा में रह के की है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर हैं ऑलरेडी, तो आई कुड आइडेंटिफाई विद दिस कैरेक्टर बेसिकली। तो कैरेक्टर भी आपकी रियल लाइफ से दैट इज व्हाई आई टुक इट। ओके, एक जो इमेज है राम जी की, आपको आई एम श्योर आज भी लोग उसी नाम से काफ़ी बार बुलाते होंगे, सेट पे क्या कोई क्रिएटिव इनपुट्स आपने दिए इस बारे में या किसी के लुक के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी एक रिलीजियस वैल्यूज़ के ही ऊपर बनी है फिल्म? नहीं, मैं पहली बात तो ये है कि मैं किसी को भी राय मैं किसी भी सेट पर नहीं देता। अच्छा, बिल्कुल वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है वहाँ बतौर एक्टर के जाना और मैं अपना काम करके मैं घर वापस आता हूँ। वो काम है डायरेक्टर्स का, क्रिएटिव्स का और भी जो लोग हैं जो पूरी तरह से एक फिल्म में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। नॉट ओनली रिलीजियस वैल्यू, व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच थ्रू द ट्रेलर ऑफ OMG 2 वाज कि इसमें एक बहुत प्यारी स्टोरी है ऑफ फादर एंड सन, हाउ फार अ फादर विल गो टू यू नो सेव हिज सन एंड हिज इमेज। डू यू थिंक दैट इमोशनल एंगल जो इस फिल्म में दिखाया गया है दैट विल ऑल्सो वर्क इन फेवर ऑफ द मूवी? Emotion and the right kind of emotion always works. It's the emotion of a father towards his son. He is ready to do anything to save his son's image and his respect. It's a very positive emotion. Yeah. And I think positive emotion has been working all the time. Definitely. So this should work. Definitely. Why not? अभी तक जो रिस्पॉन्स रहा है, इट हैज़ बिन क्लीन, इट हैज़ बिन पॉजिटिव, एवरी वन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म. अभी तक कोई जजमेंट्स नहीं पास हुए हैं, बट व्हाट इज़ वेरी सैड इज समटाइम्स इंडिया की ऑडियंस बहुत सेंसिटिव हो जाती है बिफोर द प्रोजेक्ट रिलीजेस. कभी भी आपके माइंड में वो फियर था कि इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, होना तो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ नहीं होना चाहिए. इसके साथ होगा या नहीं ये फियर तो हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए तो वो तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, यू नो. पर मुझे नहीं लगता कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम विद दिस. ये एक मैसेज दिया गया है इस फिल्म के थ्रू, यू नो, और वो मैसेज बहुत पॉजिटिव लाइट में दिया गया है. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स इन दैट. दे लाइक इट फिल्म. परफेक्ट. अक्षय की अगर बात करें, यू नो, लास्ट फ्यू फिल्म्स ऑफ हिम हिज डिड नॉट डू एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वेन एवर अक्षय कुमार कम्स देर इज़ दिस थिंग कि अच्छा बहुत अच्छी फिल्म होगी. आई रिमेंबर जब 2012 में OMG आई थी, तभी भी उनका यही एक दौर चल रहा था कि 2-3 फिल्में नहीं काम की थी, एंड सडनली ओ माई गॉड केम एंड इट वर्कड वंडर्स. डू यू थिंक दिस विल बी द केस इवन हियर? Let's hope the history repeats itself. And what was your point of view 2012 में जब भी Oh My God रिलीज हुई थी? अच्छी लगी थी मुझे वो फिल्म. I liked it. Yes. Very well made film. Very well made. Very well acted film. Yes. And here also we see there's, you know, Pankaj Tripathi, there's Akshay Kumar. They are in a way lesser, of course, experienced than you. उन्होंने अपनी journey की है, but आपसे कम साल काम किया होगा शायद as compared. कुछ एक्टिंग टिप्स या कुछ होता था सेट में ऐसे एडवाइस जो आप तीनों यार डिस्कस कर रहे थे? दे आर वेरी गुड, दे आर सो सीनियर एक्टर्स नाउ, दे हैव डन सो मच. ठीक है, मैं आई हैव स्पेंट मोर इयर्स इन इंडस्ट्री बट दे हैव वर्क मोर देन मी, स्पेशली अक्षय. इट्स बीन वर्किंग सिंस सो लॉन्ग, सो उसका तो सवाल ही नहीं था. दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, दे आर कंप्लीट पैकेज, दे आर गुड, ऑल ऑफ देम आर गुड. यस. Amazing. But you know, when you do a role which is so attached in everyone's hearts, everyone remembers you by a certain character that you have played. Some people also consider you कि आप अभी भी वो राम जी हैं, तो उस वजह से क्या कभी काम मिलने में बहुत परेशानी हुई इस इंडस्ट्री में, क्योंकि वो एक इमेज स्टिक हो जाती है कि आप फिर उसी टाइप के किरदार निभा सकते हैं? होता है वो कभी कभी, पर जिंदगी में प्लस और माइनस देखना ज़रूरी होता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर काम करके क्या मिला और हमने क्या खोया. ठीक है ना, जो मुझे मिला है वो नहीं मिलता किसी को भी. बिल्कुल. है ना, तो जो मिला वो बहुत बड़ा है, जो खोया वो इमटेरियल हो जाता है उसके सामने. तो आई थिंक आई एम अ प्रिविलेज्ड पर्सन. It was very unexpected also to see you play a role of a principal, because जब आपका नाम पहले जब अनाउंस नहीं हुआ था दैट यू आर डूइंग दिस फिल्म, बट रिपोर्ट्स वर कमिंग आउट, एवरीवन एक्सपेक्टेड कि यू आर प्लेइंग, यू नो, ईदर अ मैसेंजर ऑफ गॉड और गॉड. तो ये जो एक ट्रांजिशन था विच वाज वेरी गुड टू एक्चुअली वॉच यू इन द डिफरेंट रोल, तो ये कैसा था आपके लिए भी? नहीं, ये हमेशा होता है. हाँ. अक्षय जी की वो फिल्म आई थी राम सेतु. हाँ जी. ओह, इवन आई हर्ड इट, आई एम प्लेइंग राम इन दैट. देन इसके बारे में भी यही हुआ कि अरे यू आर प्लेइंग गॉड. आई सेड नहीं भाई, आई एम प्लेइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो मैं हूँ मैं वही प्ले कर रहा हूँ बस. बिल्कुल. हाल ही में और एक फिल्म जो रिलीज़ हुई थी, यू नो, जिसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी थी, एज समवन हु हैज़ वर्क क्लोजली इन दिस इंडस्ट्री, और आपने ये किरदार खुद भी निभाया है, कभी माइंड में ऐसा आया कि यू नो दिस इज़ समथिंग जो हम एक अप्रोच ले रहे हैं ये एक रॉन्ग अप्रोच हो रहा है, क्योंकि फिल्म देखने के पहले बाद लोग काफ़ी कुछ बात कर रहे थे उस फिल्म के भी बारे में, जिसके वजह से आई एम श्योर काफ़ी मेकर्स अब हेजिटेंट भी होंगे कि हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ना ही हर्ट करें ना ही टच करें. नहीं, आप फिल्में बनानी है, आपको रिलीजियस फिल्में बनानी है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, लेकिन आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि सेंसिटिव इशू होता है तो लोगों की आस्था श्रद्धा जो है भगवान के प्रति वो हर्ट ना हो. बिल्कुल. यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट. Definitely. Lastly, as an actor, what is that kind of, you know, cinema, the kind of projects that excite you now? देखिए, सिनेमा मेरा बेसिक जो लाइफ स्टाइल है मैं आपको बताता हूँ, वो है कि आई शुड हैव पीस इन माई लाइफ, काम एंड क्वाइट, यू नो. अब बेसिकली मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। मेरे लिए सॉलिट्यूड इज ब्लिस, यू नो, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मुझे सिनेमा भी वही ज़्यादा अच्छा लगता है जो थॉट प्रोवोकिंग तो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब लगे कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हैं, सोच पाएंगे थोड़ा बहुत। एकदम से जो बहुत ज़्यादा लाउड सिनेमा, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डायलॉग, वो सब कुछ मुझे देखने में भी नहीं ठीक लगता और शायद मुझे करने में भी नहीं ठीक लगता वो। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ जो है वो उसमें थोड़ी सीरीन सी होनी चाहिए, थोड़ा पीसफुल सा होना चाहिए। मतलब फिल्म में हम देखें भी तो फिल्म ऐसी लगे कि जैसे नदी का पानी बहता रहता है ना, अपने आप बहता चला जाता है, ऐसे ही फिल्म भी होनी चाहिए कि हमें पता ना लगे कि हमने पूरी फिल्म देख ली। बिल्कुल। तो वो उस तरह का मेंटल सेटअप है बेसिकली मेरा, और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखता जिनके बारे में रिपोर्ट पता लग जाती है कि भाई ये इस तरह की फिल्म है, फिर वो फिल्में मैं ज़रूर देखता हूँ और उसी तरह की फिल्में मैं करना भी चाहूँगा। पर क्या आपको लगता है, क्योंकि हाल ही में यू नो दीपिका जी ने भी इसके बारे में बात की थी कि जो आजकल के एक्टर्स हैं वो एक कैरेक्टर को पूरी तरह से निभा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बस उनके लिए ये एक रोल बन के रह जाता है कि अगर वो भगवान का भी रोल प्ले कर रहे हैं तो बस प्ले किया, जो 1-2 महीना शूटिंग किया एंड देन डन। वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, ना ही वो उसको इतना सीरियसली ले पाते। डू यू हैव द सिमिलर फीलिंग? नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं होता। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और आप कोई नहीं होते कैरी फॉरवर्ड करने वाले या डिसाइड करने वाले, वो ऑडियंस डिसाइड करती है आपकी कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। यू नो, ऑडियंस डिसाइड करती है, हम नहीं होते कुछ भी डिसाइड करने वाले। आज रामायण का वो रोल मेरे साथ आज आ रहा है, लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं, वो ऑडियंस का डिसाइड किया हुआ है, मेरा डिसाइड किया हुआ तो नहीं है ना। तो ऑडियंस डिसाइड करती है, एक्टर्स आर नोबडी। बिल्कुल। On that note, thank you so much for having this conversation with me. Namaste. Thank you and all the very best for the film. Thank you. Thank you very much.